हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? तो आ जाइए फिर से फटाफट से अपने क्लासेज को कंटिन्यू करने के लिए आपके अपने जीईपी फाउंडेशन के इस डिजिटल मंच पे। इस ऑनलाइन दुनिया में आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों की हम दो क्लासेज ले चुके थे, आज हम तीसरी क्लासेज लोक देवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 5 से 6 लोक देवियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए फटाफट से और हेडिंग लगा लीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवी रानी सती के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान की लोक देवी रानी सती। तो रानी सती के नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए, रानी सती। देखिए, रानी सती राजस्थान की एक लोक देवी है और इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से रहा है। रानी सती राजस्थान की एक लोक देवी है और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। रानी सती जो है, इनका जो मूल नाम था वो नारायणी देवी था। तो लिखिए इनका मूल नाम, रानी सती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था नारायणी देवी। रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी था। और इनका संबंध किस जिले से था? इनका संबंध था झुंझुनू जिले से। रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी। इनका मूल नाम नारायणी देवी था और ये राजस्थान के अग्रवाल समाज की कुल देवी है। तो लिखिए ये किस समाज की कुल देवी है? रानी सती कुल देवी है अग्रवाल समाज की। रानी सती राजस्थान के अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इनका मूल नाम नारायणी देवी है और इनके पति का नाम था तन धनदास। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था तन धन दास। इनके पति किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तो नारायणी देवी ने क्या किया कि इनकी पति की चिता के साथ में ये सती हो जाती है। अतः इनका मूल मंदिर कहां पर है? इनका मूल मंदिर है, इनके मंदिर की अगर बात की जाए तो इनका मंदिर है झुंझुनू में। इनका मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती का मंदिर कहां पर है? रानी सती का जो मंदिर है वो है झुंझुनू में। झुंझुनू में जो इनका मंदिर है, ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल पुराना इनका मंदिर है और ये मंदिर झुंझुनू में है। इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है। ये विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है और इस मंदिर में इनकी तलवार की पूजा की जाती है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाए, किस लोक देवी की तलवार की पूजा की जाती है? तो रानी सती की तलवार की पूजा की जाती है। ये मंदिर झुंझुनू में है, इनका मूल नाम नारायणी देवी है, अग्रवाल समाज की कुल देवी है, इनके पति का नाम तन धन दास था। तो आप यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि इनके मंदिर में तलवार की पूजा की जाती है, तलवार की पूजा की जाती है, इनके मंदिर में तलवार की पूजा की जाती है। मूल नाम इनका नारायणी देवी था और अग्रवाल समाज की कुल देवी हो गई। अब देखिए, इनका मेला लगता है इनके मंदिर में, नारायणी देवी के मंदिर में इनका मेला लगता है। ये मेला कब लगता है? तो आप नोट कीजिए, नारायणी देवी का यानी कि रानी सती का जो मेला है झुंझुनू में लगता है और ये मेला लगता है भाद्रपद की अमावस्या को। भाद्रपद की अमावस्या को, भाद्रपद की अमावस्या को रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। राजस्थान में अंतिम सती कौन है? क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजस्थान की अंतिम रूप से सती होने वाली या लास्ट बार जो सती हुई थी उस महिला का क्या नाम है? तो देखिए, राजस्थान में अंतिम बार जो सती हुई थी वो हुई थी 1987 में। 1987 ईस्वी में राजस्थान में एक सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दिवराला।
उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है दिवराला। दिवराला गांव है और ये गांव पड़ता है सीकर जिले में। इस जिले में एक महिला थी, इस जिले में एक महिला थी जिसका नाम था रूप कंवर। रूप कंवर नाम की एक महिला थी। इसने लास्ट बार ये महिला सती हुई थी जो 1987 में हुई थी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने सती प्रथा पे रोक लगाई और साथ ही साथ जो यहाँ पर सती माता का मेला लगता था, रानी सती का मेला लगता था झुंझुनू में, इस मेले पर भी क्या हुआ कि सरकार ने रोक लगा दी। उसके बाद रानी सती का मेला जो भाद्रपद के अमावस्या को लगता था, ये उसके बाद अब से नहीं लग रहा है। अतः इस प्रकार से ये रानी सती के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने देखे। अब देखिए आप आगे हेडिंग लगाइए, हम पढ़ने जा रहे हैं आशापुरी माता। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आप हेडिंग लगाइए आशापुरी माता। आशापुरी या आशापुरा, आशापुरी या आशापुरा माता। देखिए आशापुरा माता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आशापुरा माता जो है ये राजस्थान के जो जालौर में चौहान वंश हुआ था उसका नाम क्या था? जालौर का चौहान वंश था, उसका नाम था सोनगरा चौहान वंश। और जालौर की ही ये क्या थी? कुलदेवी थी। अतः जालौर के सोनगरा चौहान और वहां निवास करने वाली एक जाति है जिसका नाम है बिस्सा जाति। तो आशापुरा माता राजस्थान के या जालौर के सोनगरा चौहानों की व बिस्सा जाति की क्या है? कुलदेवी है। तो नोट कीजिए ये किनकी कुलदेवी है? जो आशापुरा माता है, जो आशापुरा माता है ये जालौर के सोनगरा चौहानों, जालौर के सोनगरा चौहान, जालौर के सोनगरा चौहान, जालौर के सोनगरा चौहान और बिस्सा जाति की, जालौर के सोनगरा चौहान और बिस्सा जाति की क्या है? ये कुल देवी है। देखिए बिस्सा जाति से कुछ याद आ रहा है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम का तो पता नहीं कौन सी है लेकिन एक बार पूछा गया था राजस्थान की किस जाति की महिलाएं अपने हाथ पैरों पे मेहंदी नहीं लगाती है। तो राजस्थान की वह कौन सी जाति है जिस जाति की महिलाएं हाथ पैरों पे मेहंदी नहीं लगाती है? तो वो जाति है बिस्सा जाति। अलग से नोट कर लीजिए आप, बिस्सा जाति की महिलाएं, बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती है। बिस्सा जाति की महिलाएं अपने हाथ पैरों पे मेहंदी नहीं लगाती है। अब देखिए आशापुरा जो माता है ये कुल देवी किसकी हो गई? जालौर के सोनगरा चौहानों की और बिस्सा जाति की। अब इनका मंदिर कहां पर है? इनका जो मंदिर है, माता का जो मंदिर है, इनका मंदिर है मोद्रा नाम की एक जगह है, मंदिर है मोद्रा। और ये मोद्रा कहां पर पड़ता है? मोद्रा जालौर में पड़ता है, मोद्रा जालौर में पड़ता है, मोद्रा जालौर में इनका मंदिर है जहां पर चैत्र और अश्विन के जो नवरात्रे आते हैं उस समय माता के मंदिर में मेले लगते हैं। अब देखिए माता को कई नामों से जाना जाता है, तो इनके उपनाम हम पढ़ लेते हैं। इनके उपनाम है आशापुरा माता के जो उपनाम है, इन्हें मोद्रा देवी या मोद्रा माता, इन्हें महोद्री देवी या महोद्री माता और इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके उपनाम हो गए मोद्रा, महोद्री और इनका हो गया और महिषासुर मर्दिनी। इनके मेले के बारे में हमने चर्चा कर ली, मंदिर इनका मोद्रा जालौर में है और ये जालौर के सोनगरा चौहानों और बिस्सा जाति की क्या है? कुल देवी है। बिस्सा जाति की महिलाएं राजस्थान की एकमात्र जाति है जो कभी हाथ पैरों पे मेहंदी नहीं लगाती है। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगली माता हम पढ़ने जा रहे हैं आई माता। तो हेडिंग लगाइए आई माता। राजस्थान की एक लोक देवी है आई माता।
आई माता के बारे में अगर मैं पढूं तो आई माता जो है राजस्थान में एक जाति है जिसका नाम है सिरवी जाति। सिरवी जाति की क्या है, ये कुल देवी है। तो नोट कीजिए, आई माता किसकी कुल देवी है? आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी जाति की कुल देवी है, आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। और इनका जो बचपन का जो नाम था, इनका बचपन का नाम था जीजाबाई, बचपन का नाम था जीजाबाई। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है, इनका बचपन का नाम जीजाबाई था। इनके अगर जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ था, वो जगह थी अंबापुर। अंबापुर जगह पड़ती है गुजरात में, अंबापुर गुजरात में आई माता का जन्म हुआ। और ये सिरवी जाति की कुल देवी है। आई माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बिलाड़ा नाम की एक जगह पड़ती है, बिलाड़ा नाम की एक जगह पड़ती है। इनका मंदिर बिलाड़ा में है, आई जी माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। देखिए इनके मंदिर को, इनके मंदिर को जो इनके भक्त हैं वो क्या कहते हैं, मंदिर को दरगाह कहते हैं, मंदिर को दरगाह कहते हैं, मंदिर को दरगाह कहा जाता है, मंदिर को दरगाह कहते हैं। इनके क्या है कि जो मंदिर है उसमें जो थान बना होता है या इनका जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बडेर। थान को क्या कहते हैं, माता के थान को बडेर कहा जाता है, माता के थान को बडेर कहा जाता है। और इनके मंदिर में जो दीपक जलता है उसकी ज्योति से केसर टपकती है, ऐसा कहा जाता है कि माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में जो दीपक जलता है उसके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो लिखिए दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। अब ये केसर जो टपकती है इससे क्या होता है, केसर से रोगों का निदान किया जाता है, इस केसर से रोगों का निदान किया जाता है। इनके मंदिर की दीपक की ज्योति से जो केसर टपकती है उससे रोगों का निदान किया जाता है। देखिए जो आई माता है ये राजस्थान की सांप्रदायिक सद्भाव वाली लोक देवी है। तो लिखिए ये सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी है, सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी। सांप्रदायिक सद्भाव के एक लोक देवता भी थे राजस्थान में जिनका नाम था बाबा रामदेव जी, अतः ये रामदेव जी की शिष्या ही थी। तो आप नोट कर लीजिए, आई माता रामदेव जी की क्या थी, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, आई माता रामदेव जी की क्या थी, शिष्या, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। अतः इस प्रकार से हमने आई माता के बारे में भी देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अगली लोक देवी जिनका नाम है, जो जयपुर की ही है और जिनका नाम है शाकंभरी देवी। तो आप हेडिंग लगाइए शाकंभरी देवी के नाम से। अगली लोक देवी हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है शाकंभरी देवी। देखिए शाकंभरी देवी है जिनका मूल मंदिर है सांभर जयपुर में। शाकंभरी देवी का मंदिर सांभर जयपुर में है और ये चौहानों की कुल देवी है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। तो तीन बातें आपको शाकंभरी देवी के बारे में याद करनी है, इनका मंदिर सांभर जयपुर में है, ये चौहानों की कुल देवी है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव ने। तो नोट कीजिए दोस्तों, सबसे पहले कुल देवी किसकी है, चौहान वंश की, चौहान वंश की, चौहान वंश की ये कुल देवी हो गई। इनके अगर मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर कहां पर है,
इनका मंदिर आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, सांबर, जहाँ पर सांबर झील है वहाँ पर इनका मंदिर है, सांबर जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव ने, मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये शाकंभरी देवी है और इनका मंदिर सांभर जयपुर में है। देखिए, ये शाकंभरी देवी है और एक लोक देवी और है जिसे शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सी है? वो है सखराय माता। हेडिंग लगाइए दोस्तों, सखराय माता, सखराय माता। सकराय माता की अगर मैं बात करूं तो सकराय माता है जो इनका मंदिर है, सकराय माता का मंदिर, सकराय माता का मंदिर कहां पर है? सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी नाम की एक जगह है, उदयपुर वाटी नाम की जगह है। और ये जगह कहां पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में है जहाँ पर इनका मंदिर है। और ये क्या है कि अकाल के समय क्या हुआ कि अकाल के समय जो ये लोक देवी है, इसने अकाल पीड़ित लोगों की क्या की थी? अकाल पीड़ित लोगों की मदद की थी। अकाल पीड़ित लोगों की, जब लोग अकाल से कुछ भी नहीं था, पानी वाणी खाने पीने की चीजें, तो इन्होंने क्या किया? कंद मूल और फल सब्जियां उत्पन्न की, कंद मूल व फल सब्जियां, कंद मूल व फल सब्जियां उत्पन्न की, कंद मूल व फल सब्जियां उत्पन्न की, जिसके कारण इन्हें शाकंभरी माता भी कहा जाने लगा। जिसके कारण इसे क्या कहा जाने लगा? शाकंभरी माता भी, शाकंभरी माता भी कहते हैं। इन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की कंद मूल फल आदि उत्पन्न करके मदद की, अतः इसे शाकंभरी माता भी कहते हैं। इनका मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है और ये राजस्थान के खंडेलवाल समाज की कुल देवी है। तो नोट कीजिए, कुल देवी किनकी है? ये कुल देवी है खंडेलवालों की। खंडेलवालों की कुल देवी कौन है? खंडेलवालों की कुल देवी है सकराय माता, जिन्हें शाकंभरी माता भी कहते हैं। प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। कंद मूल फल सब्जियां उत्पन्न करने के कारण इन्हें शाकंभरी माता भी कहा जाने लगा। और ये खंडेल वालों की क्या है? ये खंडेल वालों की कुल देवी है। तो नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की अगली लोक देवी, जिसका नाम है नारायणी माता। नारायणी माता, नारायणी माता की अगर मैं बात करूं तो नारायणी माता का जो, नारायणी माता है ये राजस्थान में नाई जाति की कुल देवी है। नारायणी माता किनकी कुल देवी है? तो कुल देवी में आप नोट कीजिए, नारायणी माता नाई जाति की नाई जाति की कुल देवी है। इनका जो मूल नाम था, नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था। इनका मूल नाम करमेती बाई था और इनके पति यानी इनके हस्बैंड का नाम करमेशी था। करमेशी अलवर जिले के निवासी थे और करमेती बाई थी, करमेती बाई जो थी ये जयपुर जिले की निवासी थी। इनका एक दूसरे से विवाह हुआ था, तो क्या हुआ कि ये अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। उस समय वाहन तो थे नहीं और ये क्या जंगल में विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। जिस जगह पे ये रुकते हैं उस जगह का नाम था बरवा की डूंगरी, और ये पड़ती है राजगढ़ तहसील अलवर में। बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर की तलहटी में ये दोनों मियाँ बीबी, दोनों हस्बैंड वाइफ विश्राम करने के लिए रुकते हैं, तो सोते हुए इनके पति को सांप डस जाते हैं। सांप के डसने से इनके पति की मृत्यु हुई। नारायणी देवी या नारायणी माता थी जो, जिनका नाम करमेती बाई था,
ये वहीं से, वहीं पे कोई ग्वाला गाय चरा रहा था, उसकी मदद से लकड़ियां इकट्ठी करती है और अपने पति की चिता लगा के पति को गोद में बिठा के सती हो जाती है। अतः उसी जगह पर इनका मंदिर बनवाया गया। और वो जगह कौन सी थी जहां पर इनका मंदिर है? वो मंदिर है बरवा की डूंगरी। बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी कहां पर है? बरवा की डूंगरी है राजगढ़ में। और राजगढ़ कहां पर है? राजगढ़ एक तहसील है, ये अलवर जिले की है। बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इनके मंदिर का जो पुजारी है वो मीणा जाति का है। मंदिर का पुजारी जो है वो मीणा जाति का है। मंदिर का पुजारी, पुजारी मीणा जाति का है। देखिए राजस्थान में ये मंदिर चर्चा में रहता है क्योंकि इस मंदिर के ऊपर ये नाई जाति की कुल देवी है और मंदिर का पुजारी मीणा जाति का होता है। अतः अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि मीणा और नाई जाति के विवाद से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, या मीणा और नाई जाति से विवादित मंदिर कौन सा है, तो वो कौन सा है? नारायणी माता का मंदिर है बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर। याद रखना, नाई और मीणा जाति का विवादित स्थान कौन सा है? नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर। अब हम देखेंगे आगे, देखिए अब हम अगली माता जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सच्चिया माता। तो आप हेडिंग लगाइए दोस्तों सच्चिया माता के नाम से, सच्चिया माता। सच्चिया माता राजस्थान की एक लोक देवी है। सच्चिया माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है? सच्चिया माता का मंदिर ओसियां जोधपुर नाम की एक जगह है। तो मंदिर के बारे में आप नोट कीजिए, इनका मंदिर कहां पर है? सच्चिया माता का मंदिर ओसियां जोधपुर में है। सच्चिया माता का मंदिर ओसियां जोधपुर में है। ये किन की कुल देवी है? तो सच्चिया माता है जो ओसवाल समाज की कुल देवी है। तो नोट कीजिए, ओसवालों की कुल देवी, ओसवालों की कुल देवी, सच्चिया माता ओसवालों की कुल देवी है। इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण उपलदेव नाम के एक शासक ने करवाया था। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, उपलदेव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? सच्चिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। तो मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। अतः इस प्रकार से आज हमने राजस्थान की लगभग 5-6 लोक देवियां, सबसे पहले हमने पढ़ा रानी सती के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा आशापुरा, फिर आई माता, फिर शाकंभरी माता, उसके बाद में हमने पढ़ा सकराय माता, शाकंभरी देवी सांभर में, और शाकंभरी माता उदयपुरवाटी झुंझुनू में, जिसे सकराय माता भी कहते हैं, उसके बाद में हमने नारायणी माता, और लास्ट में हमने सच्चिया माता पढ़ा। अतः इस प्रकार से हम एक एक करके पूरा डिटेल से हम लोक देवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों फिर से कह रहा हूं, आप अगर यहां से क्लासेज लेके नोट्स बनाएंगे तो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप कंटिन्यू रखिए तैयारी को, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनसे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें और उनको मदद मिल सके। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में लेके राजस्थान की लोक देवियों को।